नमस्कार, वेबदुनी समाचार में आपका स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की पाकिस्तान को चेतावनी। सुरक्षा कर्मियों के वीडियो सार्वजनिक होने के बाद सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत करने वाले सैनिकों की पहचान गुप्त रहे। हम चाहते हैं कि सैनिक सीधे हमारे पास आएं बजाय कि सोशल मीडिया में जाने के। अगर इसके बाद भी वे असंतुष्ट रहें तो अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया एक दो तरफा हथियार है जिसके अपने नुकसान भी है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए यह संदेश मैं जवानों तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हर कमांड मुख्यालय में एक शिकायत पेटी रखने का आदेश दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी रिड्रेसल एंड ग्रीवांसेस बॉक्स कहलाने वाली इस पेटी का इस्तेमाल कोई भी सैनिक कर सकेगा और शिकायत करने वाले सैनिक की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जब सेना प्रमुख से पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिकायत करने की कड़ी में ही दिक्कत है, इसलिए जवानों की समस्याएं ठीक से पहुंच नहीं पा रही और उन्होंने दूसरे मंच का सहारा लिया। इस पर जनरल रावत ने कहा कि सेना में हर बात संचार के जरिए ही की जाती है, छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाता है। हो सकता है कि जवान ने अपनी समस्या के बारे में भी बताया हो लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी निराकरण न कर पाए हों। ऐसे में जरूरी है कि जवान ऊंचे स्तर पर शिकायत करे। सेना प्रमुख ने महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करने पर कहा कि समान मौके के साथ समान जिम्मेदारी भी आती है। जनरल रावत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि वह सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए गंभीरता दिखाता है तो भारत सीमा पर प्रभावी संघर्ष विराम के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गत दिसंबर में की गई सैन्य कार्रवाई का मकसद यह था कि पाकिस्तान को यह संदेश दिया जाए कि यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो सेना उसकी नापाक हरकतों का जवाब देने में सक्षम है। सैन्य कार्रवाई के बाद सीमा पार से शांति संदेश मिले हैं तथा भारत भी चाहता है कि सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की घटनाओं में भले ही ज्यादा कमी नहीं आई हो लेकिन इस कार्रवाई के बाद संघर्ष विराम की घटनाओं में कमी जरूर आई है। उन्होंने कहा कि यदि सीमा पार से आतंकी हरकतों को बढ़ावा दिया जाता है तो भारतीय सेना किसी भी तरह की कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नोटबंदी पर नेपाल की चेतावनी, नेपाली जनता का भारत से भरोसा न उठ जाए। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, मुझसे बेहतर कप्तान साबित होंगे विराट कोहली। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के बीच भारत में बेरोजगारी बढ़ सकती है। आतंकी हाफिज सईद की स्वीकारोक्ति, मैंने ही करवाया था अखनूर में आतंकवादी हमला। कश्मीर में हाड़ कपाने वाली ठंड से नलों और जलाशयों में बर्फ जमी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।